हेलो भाई, क्या हाल चाल? बस बढ़िया भाई, तुम बताओ क्या हाल चाल है? अरे तेरा भाई आईफोन ऑर्डर कर रहा है आज। अरे वाह, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कौन सा ले रहे हो भाई? आईफोन 6। तुझे लगता है कि जैसा तेरा यूज है आईफोन 6 में तेरा काम चल जाएगा, फोन हैंग नहीं होगा? भाई आईफोन तो आईफोन होता है, हैंग कहाँ से होगा। भाई तू एक काम कर, एक वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, वीडियो देख, उसके बाद मुझे कॉल करियो। ठीक है भाई, वीडियो देख के कॉल करता हूँ। iPhone 5s या iPhone 6, तो क्या अब आपको ये 2017 में खरीदना चाहिए? आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि 2017 में iPhone 5s या iPhone 6 बाय करना सही होगा या नहीं। सितंबर 2013 में iPhone 5s लॉन्च हुआ था और सितंबर 2014 में iPhone 6। ये एप्पल की पावर को आप देख सकते हैं। iPhone 5s को 4 साल होने वाले हैं और iPhone 6 को 3 साल। अब भी ये दोनों फोन मार्केट में चल रहे हैं। जब iPhone 5s आया था 2013 में, उससे पहले अप्रैल 2013 में सैमसंग ने अनाउंस किया था सैमसंग गैलेक्सी S4, और फिर नेक्स्ट ईयर iPhone 6 से पहले अप्रैल 2014 में आया सैमसंग गैलेक्सी S5, सैमसंग गैलेक्सी S4 एंड S5। आज की डेट में दोनों बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं, आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं मार्केट में, और अगर कहीं कम प्राइस में मिल भी रहे होंगे तो भी इतने आउटडेटेड स्मार्टफोन कोई लेना पसंद नहीं करेगा। अगर आप प्राइस देखकर iPhone 5s या 6 लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो आप नोट कर लो, उसके बाद आपको हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर। देखा जाए तो कितना पुराना हार्डवेयर है इन दोनों फ़ोन का, बट नॉर्मल यूज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रैम बस 1GB मिलती है इसमें आपको, बट एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, 1GB रैम भी बहुत अच्छे से साथ देती है। और स्टोरेज iPhone 5s में आपको 16GB मिलती है, 32GB वाला मॉडल अब अवेलेबल नहीं है, और iPhone 6 के 16GB एंड 32GB दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं। यहाँ अब आपको आपका यूज़ देखना है कितना यूज़ है। मुझे लगता है कि 16GB बहुत कम है, 16GB में से आपको 11GB फ्री स्पेस मिलता है। आजकल सभी एप्लीकेशन इतनी हैवी होती हैं, कुछ टाइम तक तो आप ठीक से यूज़ कर लोगे, फिर आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट। और यहाँ iPhone 5s में आपको वोल्टी का सपोर्ट नहीं मिलता, तो जियो सिम आप यूज़ नहीं कर पाओगे iPhone 5s में। इसमें आपको 4G तो मिलता है, जियो 4G नेट तो आप चला सकते हो, बट आप कॉलिंग नहीं कर पाओगे। तो अगर आप कॉलिंग करना चाहते हो तो आपको अलग से जियो 4G वॉइस एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर आप जियो सिम यूज़ करने वाले हो तो आप iPhone 5s को इग्नोर कर दो। अब हम देखते हैं कैमरा। दोनों में आपको 8MP रियर कैमरा मिलता है और 1.2MP फ्रंट कैमरा। आपको अगर सेल्फी लेना बहुत पसंद है तो आप इन दोनों फ़ोन को भूल जाओ। नो डाउट कि कैमरा सेंसर बहुत अच्छा है, जो भी आप सेल्फी लोगे आपको मोबाइल में बहुत सही लगेगी, बट अगर आप फोटोग्राफ क्लिक करके लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देखोगे या आप उस इमेज को जूम करोगे तो आपको पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, पिक्चर में काफ़ी पिक्सल्स आपको दिखेंगे। और इन दोनों फ़ोन की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है इनकी बैटरी। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, गेम्स तो आप नहीं खेलते बट कॉलिंग आपकी चलती रहती है, इंटरनेट भी आप यूज़ करते हो, ऐसे में आपको कम से कम दिन में 2 बार फ़ोन को चार्ज करना पड़ेगा। अब बातें आती है कि क्या आपको iPhone 5s या 6 लेना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि अगर आपको iPhone ही चाहिए, Android आपको अच्छा नहीं लगता और बजट भी आपका ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में आप iPhone 6 कंसीडर कर सकते हो। या आपको अपने पेरेंट्स के लिए फ़ोन लेना है, ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ कॉलिंग और व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करना है, तो आप iPhone 5s या 6 दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको iPhone ही चाहिए तब आप iPhone 6 ले सकते हो, या आपको अपने पेरेंट्स के लिए फ़ोन लेना है तब आप iPhone 6 या 5s दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बट आपको ये देखना होगा कि क्या 16GB स्टोरेज में आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास 32GB का भी ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप 16GB को इग्नोर कीजिए। दूसरा, मुझे लगता है कि जिस सॉफ्टवेयर के साथ आपको ये फ़ोन मिलेगा वैसे ही आप इसे यूज़ करें, लेटेस्ट अपडेट ना करें। अगर आप लेटेस्ट अपडेट करोगे तो पूरा चांस है कि आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा और हैंग होने लगेगा। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको iPhone 5s या 6 दोनों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर आपका थोड़ा सा भी हैवी यूज़ है तो। अगर आपको iPhone ही चाहिए कम प्राइस में तो आप ट्राई कीजिए कि आपको किसी एक्सचेंज ऑफर में या किसी डील में iPhone 6s मिल जाए, वो फिर भी बेटर ऑप्शन रहेगी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। आप मुझे बताओ कमेंट करके आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्या आप iPhone 5s या 6 लेना पसंद करोगे? हाँ भाई, देख रही वीडियो? थैंक्स भाई, वीडियो तो बहुत बढ़िया लगी मुझे, क्या सोचा फिर, बट iPhone 6 तो अभी भी लूंगा मैं। अरे भाई, अपने पापा के लिए ले रहा हूँ। ओके, ये हुई ना बात, अपने लिए मैं iPhone 8 का वेट करूँगा। चल बढ़िया भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।